असलमक क्या हाल है सब ठीक हो खैरियत है तबीयत से ठीक है सब उम्मीद करता हूँ कि आप सब होंगे अल्लाह के फजलोक करम से ठीक मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से सुनाओ जी क्या हो रहा है कोई कमेंट उमेंट नहीं करता पता नहीं क्या मसला है मैं इधर आया हुआ कपास में वीडियो बनाने के लिए क्योंकि घर में वैसे थोड़ा शर्म आता है घर वाले कहते हैं पता नहीं किस काम में लगा हुआ है तो उधर से निकल के मैं इधर आ गया खेतों में इधर देखा खेतों में थोड़े से दो तीन लड़के खड़े थे तो जानने वाले लेकिन थोड़ी सी शरम आ रही थी तो उधर से मैं निकल के इदर, खेतों के बीच में आ गया हूँ यहाँ पर ना इधर से कोई बंदा है ना इधर से कोई बंदा है खेतों में आ गया हूँ तो अकेला बैठ के यहाँ वीडियो बना रहा हूँ मैंने कहा चलो इधर शर्म वरम नहीं आएगी तो इधर बैठ के वीडियो बना बना रहा हूँ आप सुनाओ सब खैरियत से हो सुनाओ जी कौन सी पार्टी वाले रो रहे हैं और कौन सी वाले हंस रहे हैं हम तो अलहदिल्ला बड़े खुश हैं क्योंकि आईना साफ़ नज़र आ गया कौन चोर है और कौन ठीक है और दूसरी बात मेरा परसों रात एक कज़न के साथ हो गया थोड़ा पंगा वो था लीग वाला मैं था पी टी, पी -टी वाला तो वो कह रहा है कि आपका हुक्मरान चोर है आप पढ़े लिखे नहीं है ये वो है आपको पता नहीं है आप कुछ करते हैं इधर उधर जाते नहीं हो हमें सब पता है मैंने कहा आपकी सारे सवालों का जवाब कल सुबह आपको मिल जाएगा कहता है ठीक है फिर उसने काफ़ी सारे मैसेज किए ये हमारे हुक्मरान ने किया ये किया ये किया मैंने कहा चलो सुबह हो जाती है ना सुबह मैं आपको सारे जवाब दे दूँगा सुबह जब मैंने खबर सुनी तकरीबन सात आठ का टाइम था मैंने ख़बर सुनी कि इमरान खान आगे जा रहा है सत्रह सीटों से तो वो तो खैर ऐसे ही अंदाज़ा लगा रहे थे सत्रह सीटें नहीं थी लेकिन कन्फर्म जाके बारह एक बजे हुआ कि सत्रह सीटें नहीं हैं पंद्रह मिली हैं पंद्रह जगहों से जो है ना इमरान खान की पार्टी जीत गई है तो मैंने अपने कज़न को मैसेज एक किया कि मैंने कहा मैंने सुना है कि लौटे बाथरूम में चले गए उसके बाद से उसका कोई जवाब नहीं है रिस्पॉन्स कोई नहीं आया क्योंकि पहले वो है थोड़ा सा पढ़ा लिखा ज़्यादा और पढ़े लिखे के अलावा भी ना जिसका कारोबार चल रहा हो और उसे मेहनत ना करनी पड़ रही हो और उसके बावजूद किसी का फोदू लगा हुआ हो ना उससे नहीं पता कि महंगाई क्या है मैंने उसको बोला मैंने कहा एक दिन इधर मज़दूरी करके देखो मज़दूरों की जगह तुम्हें फिर पता लगेगा पैसे कैसे कमाए जाते हैं तो मैं हर उस बंदे को ऐसे ही समझता हूँ जो इसके नून लीग के सपोर्टर है। हैं मैं सबको यही समझता हूँ कि ये है अमीर तरीन इनके गुजारे चल रहे हैं गरीबों के नहीं चल रहे उनको पता है इतनी महंगाई है हम आटा ख़रीदें घी ख़रीदें क्या क्या ख़रीदें और ये और हमारे फजल रहमान माशाल्लाह हमारे मौली साहब उनके करतूत चेक कर रहा ना वो कहते हैं जी एक पहले मैंने उनकी क्लिप सुनी थी माह रमज़ान में उनकी क्लिप आई थी कि अगर जनाब आप इतकाफ में हो तो वोट देने आप मुझे वोट दोगे आपका इतकाफ़ नहीं टूटेगा और अगर आप इमरान खान को वोट दोगे तो आपका इतकाफ टूट जाएगा मैंने कहा यह भी सही है ठीक है जी ये मोलवी सही है इसने अपनी हदीस बना ली और उसके बाद एक और ये जो मैं सुना उनको रहा हूँ जो नून लीग वाले हैं टी क्या उनको बोलते हैं यार टी डी सॉरी पबजी के एक मैप का नाम है तो मैं उनको बोल रहा हूँ ये जो इन सारे चोरों के पार्टी वाले हैं मौलवी साहब की आप चेक करो ना इस्लाम में है कि वो बंदा हाज नहीं कर सकता जिसके पास अपने पैसे नहीं हो यानी आपके आपके पास पैसे नहीं हैं आप किसी और से मांग के उधार उठा के हाज करने नहीं जा सकते लेकिन हमारे मौलवी साहब को चेक करो उन्होंने खुद भी गुनाह किया ख़ुद भी पैसा पाकिस्तान का बर्बाद किया औरों को भी लेके गया कि जाओ भाई जाके हज पढ़ के आओ और नेक इंसान बन के आओ ठीक है भाई कमाल है ये हम करें चोरी ये करें जो ठीक है मौलवी का यही तो मसला है सारे नहीं माशाल्लाह कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी हैं जिनकी वजह से हमारी दुनिया कायम है हमारा मुल्क कायम है सारे नहीं तो मैं सिर्फ उन्हीं को समझता हूँ जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना दौलत के पीछे भागते हैं वो जहाँ देखते हैं ना ये हमारे लिए फ़ायदा है वहाँ पे इन लोगों ने हदीस अपनी बना बना लेनी है या कोई बता देनी है कि फ़लाँ हदीस में ना ये हमारे अदूर ने फरमाया था या हमारे साहबा ने फरमाया था ऐसे करना ऐसे नहीं करना अगर गरीब के हक़ में कोई बात हो वो जी दुनिया में चलेगी आगे कहीं नहीं ये है जी इनके चक्कर चल रहे हैं अच्छा जी हमारी वो मरियम साहिबा आंटी सॉरी दादी मरियम साहिबा वो कह रही हैं जी हमने ये कर दिया हमने वो कर दिया क्या उन्होंने घर से उठा के दिया <laughs> आप वीडियो देखने वाले यही सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि देखने वाले कुछ हमारे नू लीग वाले भी हैं तो शेयर कर देना ताकि आगे आगे उनको भी पता चले ना कि हम क्या सोच रखते हैं उनके बारे में यो बीबी -बी जो है ये कह रहे हैं जी हमने बनवाए पुलें बनवाई रोड बनवाए मेट्रो चलवाई भाई अपने घर से उठा के दिए तूने जो घर बाहर जाके बनवाया तुम्हारे मिले थीं जिस दौर में उस दौर में तो एक वहाँ पे झोपड़ी नहीं बनी आपकी बार लेकिन जब हुकूमत में आए हुकूमत में गुजरी दिन कुछ तो माशाल्लाह जी बेहतरीन बन गए आप तो इसके अलावा इसकी वो छोटी सी क्या कहते हैं डड्डू सी है मुँह वाली बंदरी जिसको पीछे से वो हो, होती है ना बंदरी वो बंदर वाला लेके घूम रहा होता है उसको कहते के हैं चल नाच वो वो वाली डडनी मुंह तो वैसा उसका सीधा नहीं वो कहती है जी हमने अवाम को दो हज़ार रुपया दिया है दे रहे हैं पाकिस्तान के भाई घर से दे रहे हो दो हज़ार दे रहे हो ना कोई दस हज़ार नहीं दे रहे तो उनका स्टाइल बताने का ये है कि जैसे हम लाख रुपये दे रहे हो बड़ी अमीर हो जाएगी तो हंसना तो बहुत आता है पता नहीं ये ये नून लीग वाले इनकी मैं देख के आ रहे हैं सारे के सारे चोर हैं ज़रदारी को चेक कर लो उसकी हुकूमत तो गुजरी है ना उसका चिट्ठा तो सबको पता है ना जरदारी को देख लो वो चोर रहे हैं ये कहते हैं जी हमारे अच्छे हैं अच्छा दूसरा वो उसका बच्चा क्या नाम है सर वैसे तो तीसरी दुनिया की मखलूक उसे बोलते हैं कुछ कुछ को बिल्लोरानी उसके देख लो उसको पता ही नहीं है कहीं पे उसकी क्लिप शायद आपने भी देखी होंगी कहीं पे जाके वो जी पूजा कर रहा है हार चढ़ा रहा है कुछ कर रहा है हिंदू काम सारे हिंदुओं वाले कर ले कर रहा है और कहते हैं मैं मुसलमान हूँ और भाई कुछ दिमाग खोल के ना अपना दिमाग चेक करो दिमाग सही है या ख़राब है क्योंकि जो मुसलमान होता है ना वो कभी शिरक नहीं करता ये शिरक वाला काम है और हमारे काफ़ी सारे बंदे हैं जो वो कहते हैं जी ये सारे ठीक हैं और भाई इन कंजनों में से किसी एक को तो दिखा दो जो नेक पाक हो चलो हम मान लेंगे यार ये सब ख़राब हैं एक नेक इनको ले कर जा रहे हैं आगे ताकि दूसरे भी सुधर जाएँ इनमें से एक भी नेक नहीं है अच्छा जब शबाज हम शबाजा ऐसे कुछ लोग शबाजा भी बोलते हैं शबाज शबाज साहब हमज़ा शहबाज़ पीछे रहे छोड़ो उसका नंबर भी आएगा शहबाज़ साहब शबाज शरीफ साहब अच्छा जी उनका कहना है कि हमने वो कर दिया ये कर दिया वो कर दिया अगर उस रात बारह बजे अदालतें ना खुलती ना ये आज जेल में सड़ रहे होते क्यों दो दिन बाद या एक दिन के बाद इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आए होने वाली थी इन लोगों ने एक ही रात में सारा मामला इसे बना लिया सारा कुछ सेट कर लिया हमदा शबाद साहब वो हमारे खान साहब बता नहीं उसे क्या कहते हैं कुकड़ी कुकड़ी साहब कुकड़ी साहब ने क्या किया वो भी तो उस पर जुर्म आयद होने वाली थी उनको भी ठीक है जी हुक्मरान बना दिया ये हम सादा लोग हैं जो है ना आम लोग अगर हम पे एक चोरी का छोटा सा केस हो जाए ना हम सरकारी नौकरी नहीं कर सकते लेकिन ये ये वजीर अजम बन सकते हैं भाई देखा जाए ना कसूर उनका भी है कुछ हमारा भी है ज़्यादा कसूर हमारा है उनका नहीं है आप देखो ना हम रेडी पे फ्रूट लेने जाते हैं फ्रूट उधर लिए तो हमारा जो रेडी वाला होता है उसको देख लो सामने उसने साफ चीज़ें रखी होती हैं और पीछे जो ख़राब होता है ना माल वो हमें डाल के दे देते है शापर में जो बंदा देख लेता है वो तो निकलवा लेता है कुछ निकलवा लेता है कुछ रह जाते हैं जो नहीं निकलवाता वो बेचारा घर जा देखता है सारा फ्रूट जो होता है वो सारा कुछ ख़राब होता है अच्छा दिन का तो ये मामला इनका रात जब होती है ना तो जैसा इनका फ्रोट होगा ना उसी तरह की लाइट लगाई होगी इन लोगों ने ताकि देखने वाले को ये पता लगे कि चीज़ अच्छी है यार चोर हम खुद हैं वो चोर नहीं है क्योंकि अगर हम सीधे हैं ना अल्लाह ताला हम पे हुक्मरान भी सीधा बिठाएगा हम खुद चोर हैं और दुकानों वालों को देख लो जी पता चल गया ना इनको कि घी महंगा होने वाला है अगर इनके पास पैसे वे पैसे तो, तो आजकल हैं क्योंकि इनके फदू लगे हुए हैं दुकान वालों के तो इन्होंने ये ऐसे करना है जी लाख का दो लाख का दस लाख का ये तो आम से हम अपने हिसाब से बता रहे हैं इतने का इन्होंने घी ले कर रख लेना है कि यार दस बीस रुपये बढ़ेंगे इतना फ़ायदा होगा तो इन्होंने रख लेने तो चोर वो कौन है वो चोर हैं या हम चोर हैं उन्होंने रख लेने ये गुनाह नहीं है उन्होंने रख लेने खुद आके तो घी जब महंगा होगा या जो चीज़ इन्होंने रखनी है वो महंगी होगी इन्होंने बाद में महंगी बेचनी है सस्ती ले कर तो ये कौन सा काम है ये मुसलमानों वाला काम है गरीब बेचारा पहले तकरीबन मेरे ख़्याल से ढाई तीन साल पहले भी उसकी दिहाड़ी पाँच सौ थी आज जाके तकरीबन हमारे गांव के हिसाब से सात सौ है तकरीबन साल हो गया सात सात सौ हो गई है सात सौ में बेचारा मजदूर क्या ले भालपुर में यहाँ से हमारे घर से तकरीबन अगर किराया बनाया ना बस पे जाए डेढ़ सौ दो डेढ़ सौ या एक सौ सत्तर जो है ना उसका किराया लगेगा और पीछे बच्चे जी एक पाँच सौ पच्चीस रुपए तीस रुपये उसमें उसने खाना भी है कुछ ना कुछ उसने ख़रीदना भी है घर के लिए भी लेना है घर बचा के क्या है शहर वाले तो बेचारा वैसे ही मेरा एक दोस्त है मुल्तान का तो उस बेचारे का खुद का अपना मकान नहीं है वो बेचारा रात दिन एक करके ना अपने खाने पकाने का मकान का किराया बिजली का बिल सब वो करता है उसको रात दिन का सुकून नहीं है वो कहीं एक दिन भी ना कहीं जा नहीं सकता बेचारा इतना है अभी तो उसके बच्चे भी नहीं हैं तो ये महंगाई किसने की, की ये कह रहे हैं जी इमरान ख़ान साहब ने की है मुझे ये बताएं आपको शायद पता होगा सुनने वाले देख रहे हैं आप आपको भी पता होगा कि जब इमरान खान साहब उतरे थे सीट से इनको उतारा गया तो उस वक्त तकरीबन तेईस अरब डॉलर या ऐसे ही वो हमारे इमरान खान साहब इन चैनल वाले इमरान रियाज़ साहब उनके चैनल को जाप के आपने देखना है वो आपको सारे डिटेल देंगे कि इनके पास कितने पैसे थे और इन्होंने आके कैसे कैसे ख़राब किए जब इरान इमरान खान साहब छोड़ के गए थे ना उस वक्त तकरीबन तेईस अरब डॉलर पड़े थे हमारे पाकिस्तान के अकाउंट में तेईस अरब डॉलर ये कह रहे हैं कुछ था ही नहीं तो कुछ था नहीं इन्होंने आते ही भीख मांगना शुरू कर दी भीख मांगने का एक अंदाज़ इन्होंने बना लिया तरीका बना लिया चलो जी मांगते हैं आप सोचेंगे कि हम मांगने हैं मांगने नहीं हमें है हमें मजबूरी है यार ये ड्रामे मत करो इन लोगों ने ना वैसे हमें बर्बाद कर दी इन्होंने किया है हमने खुद भी अपने आप को किया है क्योंकि इनको बिठाने वाला अल्लाह ताला है लेकिन गुनाह हमारे हैं गुनाह हमारे हैं जब तक हम सही नहीं होंगे ना ये भी नहीं सही होंगे और जब जिस दिन हम सही होंगे ना अल्लाह ताला के फसलों पर हमसे कोई ऐसा हुक्मरान आएगा ना हमारी पूरी नस्लें कामयाब हो जाएंगी हमें कोई दुख परेशानी नहीं होगी देख रहा था कोई बंदा तो नहीं आ रहा इधर से कोई थोड़ी बहुत हलचल हुई थी तो इस वजह से लेकिन ना चोर खुद हम हैं तो उनको क्या कहना कि ये चोर है वो चोर है मसला सारा जा रहा है कि हम खुद चोर हैं चलो जी और सुनाओ कमेंट में कर देना जो कुछ अगर बुरा लगा वो भी कर देना अच्छा लगा वो भी कर देना क्योंकि अब इनके दिन करीब हैं नॉन लीग वालों के क्योंकि ये सारे चोर एक साथ हो गए हैं दुनिया पागल नहीं है थोड़े बहुत पागल हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और जिनके कारोबार अपने वो पागल हैं क्योंकि इनकी वजह से इनके कारोबार बढ़ रहे हैं टैक्सीज इनके काम हो रहे हैं और गरीब को टैक्स पे टैक्स टैक्स पे टैक्स लगे जा रहे हैं गरीब तो एक माचिस खरीदता है उस पर भी उसको टैक्स है बकाया तो चीज़ें तो दूर रहेगी चलो जी हमें दीजिए इजाज़त बस इतनी वीडियो बनानी थी टाइम मिलता नहीं इधर सर्दी सर्दी तो है नहीं गर्मी वगैरह होती है तो दिन में तो अंदर घर पड़े रहते हैं शाम को या सुबह सुबह बाहर निकलना होता है ठीक है ये हमारे गांव गांव भी है थोड़ा बहुत शहर भी है तो थोड़ा बहुत शहर भी है ये सारे खेत हैं इधर कपास हैं तकरीबन डेढ़ माह के बाद ना कपास तैयार हो जाएगी फिर इसके रेट भी निकल आएंगे। इमरान ख़ान साहब के दौर में रेट इसके थे तेरह हजार रुपए इन्होंने आते ही किसान का बेड़ा गर्क कर दिया अब तकरीबन खाद जो है खाद डी ए पंद्रह हज़ार की बोरी मिल रही है खान साहब के दौर में तकरीबन नौ हज़ार तक मिल रही थी इन लोगों ने किसान का तो वे सबसे ज़्यादा किसान का बेड़ा गर्क किया है सबसे ज़्यादा और कपास का रेट जब खान साहब गए थे तो तेरह हज़ार रुपये था अब इन्होंने छः हज़ार कर दिया अब किसका कसूर है खुद आप भी कुछ सोचें और आगे भी सपोर्ट करें जिस तरह खान साहब को आपने अभी किया आगे भी करें और अपने मुल्क को सीधे राह पर ले आएं पहले ख़ुद सीधे बाद में दूसरे सीधे अल्लाह हाफिज़ अल्लाह वीडियो देखने का शुक्रिया अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाना